हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत सिंपल और सुंदर सा सूट का डिज़ाइन। मटेरियल रिक्वायर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाना है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है एक छोटा सा सर्कल और उसके साइड पे 5 पेटल्स। अब हम बनाएंगे लीव्स। मैंने इन टोटल 3 लीव्स बनाए हैं। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से थोड़े से लीव्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीव्स बनाने के बाद हम बनाएंगे छोटे छोटे से फ्लावर्स। आप देख सकते हैं मैं फ्लावर्स कैसे बनाऊंगी। ये देखिए कैसे ये हमने छोटे वाले फ्लावर्स बना दिए हैं। इसमें हमने सिर्फ 3 या 2 लीव्स ही बनाने हैं। हमने ये जो छोटे फ्लावर्स हैं ये अपने फ्लावर के दोनों साइड पे बनाने हैं। आप चाहें तो पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरे इस कपड़े के अंदर ही आप देख सकते हैं दोनों तरफ पे एक बॉर्डर बना हुआ है। ये कपड़े में ही ऐसा है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप दोनों साइड पे एक बॉर्डर बना लें ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो बाहर कम ज़्यादा छोटा ना हो। अब हमने इस डिज़ाइन को अपने एक पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद देखिए मैंने उसको नीचे रख लिया अपने कपड़े के और पूरे के पूरे अपने बॉर्डर के अंदर जो मेरा पैटर्न जहाँ मैंने पेंटिंग करनी है वहाँ पर मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। ये देखिए मेरा ड्रॉ होने के बाद डिज़ाइन कैसा दिखाई दे रहा है। ये मैंने अपने सूट पे पूरी पट्टी बना ली है। ऐसे ही हम अपने दुपट्टे पे भी बना लेंगे। चलिए अब हम करते हैं पेंटिंग स्टार्ट। पेंटिंग करने के लिए मैंने लिया है फेविक्रिल का पिंक कलर और फेविक्रिल का ही वाइट कलर और ये 6 नंबर के ब्रश की हेल्प से मैं पेंटिंग कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पेटल्स हैं उसके साइड में एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे और अब हम उस बॉर्डर को अपने ब्रश की हेल्प से अंदर की तरफ ब्लश कर देंगे, जिससे क्या होगा नीचे थोड़ी सी शेडिंग बन जाएगी। अब जो हमारा सर्कल है उसके ऊपर हमने वाइट कलर से सर्कल बना दिया वाइट कलर का और अब हम उसको पिंक कलर के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ ब्लश कर देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने कैसे किया है। मैंने आपको पिंक के अंदर वाइट और वाइट के अंदर पिंक दोनों मिलाकर दोनों टेक्निक्स दिखा रही हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ये कलर कैसे करना है। बनने के बाद हमारा फ्लावर कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे हमारे छोटे फ्लावर्स। छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए भी हमने एग्जैक्टली यही सेम टेक्निक यूज़ करनी है। ऊपर की साइड पे बॉर्डर बनाएंगे और उसको हम अंदर की तरफ ब्लश कर देंगे, फिर हम नीचे की साइड पे छोटा सा करेंगे बॉर्डर और उसको हम ऊपर की साइड पे ब्लश कर देंगे, दोनों में हम शेडिंग डाल देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पिंक को ऊपर से नीचे लाएंगे और वाइट को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारा कलर मिक्स ना हो, शेडिंग आए। चलिए अब हम बनाते हैं लीव्स। लीव्स के लिए मैंने पहले वाइट कलर लेके बीच में आप देख सकते हैं एक छोटा सा लाइन डाल दिया है और अब मैं ले रही हूँ सैप ग्रीन कलर और हमारा वही 6 नंबर का ब्रश। 6 नंबर के ब्रश से आप देख सकते हैं मैंने पहले बॉर्डर बना लिया है अपने लीव को और अब मैं उसके अंदर इस कलर को फिल कर रही हूँ बाहर से अंदर की साइड पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं ये कैसे फिल कर रही हूँ। मैं इसको बाहर की साइड से अंदर की साइड लेके जा रही हूँ। ग्रीन कलर होने के बाद हमने जो अंदर वाइट लाइन डाली थी उसको हम अपने ग्रीन कलर के अंदर ब्लश कर देंगे, वैसे ही जैसे हमने वाइट और पिंक को मिक्स किया है वैसे ही सेम तरीके से। बट क्योंकि हमारा ग्रीन कलर बहुत डार्क है तो हमारा वाइट कलर उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है कि ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं है। हमने इसको सूखने के बाद फिर से थोड़ा सा वाइट से ब्लश देना है तो हम उसको बाद में भी और मिक्सिंग दे देंगे, शेडिंग दे देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन लीफ बनने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। अब इसको सूखने देंगे और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा फ्लावर है उसके अंदर कलर फिल करेंगे ग्रीन। इसको भी मैंने शेडिंग के तरीके से ही दिया है। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल फिल भी कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत सुंदर लगेगा, शेडिंग नेसेसरी नहीं है। देखिए मैंने इसमें सिंपल इसको फिल कर दिया है, कोई स्पेसिफिक शेडिंग नहीं दी है। आप दोनों तरीके से इसके अंदर कलर को फिल कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद हम लेंगे 0 नंबर का ब्रश और सैप ग्रीन कलर और उससे हम बनाएंगे स्टेम्स। 0 या 000 जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए साइड में ये जो मैंने 3 छोटी छोटी स्टेम्स बनाई हैं इससे बहुत ग्रेस आती है, इसको ज़रूर बनाएंगे। चलिए अब देखिए हमारा ये सूख गया है तो मैं इसके अंदर वाइट कलर से फिर से थोड़ी सी शेडिंग दे रही हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने क्या किया है। मैंने लिया है वाइट कलर, 6 नंबर का ब्रश और उसकी मैंने शेडिंग दे दी है अंदर से बाहर की साइड और सैप ग्रीन से मैंने फिर से थोड़ा सा लेकर बाहर की साइड से अंदर की साइड पे उसको शेडिंग दे दी है।
क्योंकि अब नीचे वाला बेस सूख गया है तो वाइट कलर बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होगा ग्रीन के अंदर और आप बहुत आराम से शेडिंग दे पाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कैसे दी है। अब यही 6 नंबर का ब्रश लीजिए, पिंक कलर लीजिए और जो हमारी 3 स्टेम्स हैं उसके साइड में छोटी छोटी डॉट्स लगा दीजिए। अब मैंने वाइट कलर लिया है, थोड़ा सा वाइट और पिंक से मैं इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा शेडिंग कर रही हूँ, फाइनल टच दे रही हूँ। जो ये बीच का सर्कल था उसके अंदर मैंने सिंपल पिंक कलर को फिल कर दिया था। अगर आपको शेडिंग की नेसेसिटी नहीं लग रही है तो आप इसको नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अब आप 0 नंबर का ब्रश लीजिए और सैप ग्रीन कलर लीजिए और ये साइड में देखिए जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही छोटे से आप भी बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ग्रेस आती है हमारी जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसके अंदर। मैंने ऊपर छोटे फ्लावर के ऊपर भी एक ऐसा छोटा सा सिंपल सा बना दिया है। बनने के बाद इसको मैंने 24 आवर्स रख के इसके बाद इसको आयरन किया था बैक साइड पे और उसके बाद मैंने इसके अंदर छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं, दुपट्टे पे लेस लगा दी है और ये मेरा रेडी सूट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।